हेलो हेलो, नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते ऑल ऑफ यू। नमस्ते, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया है सर। शनि जयंती की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आप सभी को। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। प्रणाम सर। प्रणाम। नमस्कार नमस्कार। तो आज का सेशन है, शिखा मैम ने कहा कि आप सभी को जैमिनी का बेसिक जो है वो आप लोगों को मैं समझाऊं। तो आज का जो सेशन है वो कंप्लीट बेसिक्स के ऊपर ही है। किस तरीके से आप आरूढ़ पद लगन निकालें, आप किस तरीके से उपपद लगन आपको निकालना है, अमात्य कार का क्या है, आत्मकार का क्या है। तो कोशिश मेरी आज के सेशन में यही रहेगी कि मैं आप सभी को जितना भी बेसिक है, किस तरीके से इनकी दृष्टियां होती हैं ग्रहों की, राशियों की, वो सारा का सारा आज मैं इसमें आज का जो चैप्टर है इसमें मैं कवर करने वाला हूँ आप लोगों के लिए। लेट्स स्टार्ट। शिखा जी, हेलो। हेलो सर, कैन हाँ यू शिखा पुट ऑन जी। योर कैमरा? हाँ बिल्कुल 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 देख पाऊंगा। वेट अ मिनट। हाँ जी, देख पा रहे हैं आप लोग? स्क्रीन थोड़ा आ गया सर, आप ऊपर करेंगे एक तो। सेकंड एक सेकंड मैम, एक सेकंड। आप देख पा रहे हैं? यस, थैंक यू सो मच। ओके ओके। चलिए मैं अपना स्क्रीन जो है वो शेयर कर रहा हूं आप लोगों के साथ में। इसका जी ये स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो पा रहा है मेरे से। शुड आई शेयर माई स्क्रीन? एनीथिंग इज ओके ना टुडे के लिए तो। हाँ बिल्कुल। वैसे मैं विवेकानंद जी का चार्ट देखना चाह रहा था। वो तो फिर कैसे चलिए करें। कोई सा भी कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। बेसिक है, कोई सा भी हाँ चार्ट दे दीजिए, कोई सा भी दे दीजिए। जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ ओके नो इश्यू नो इश्यू, कोई सा भी निकाल दें। आज का करंट ही ले लेते हैं। हाँ आज का करंट ले लो, नो इश्यू। यस जी। देखिए जैमिनी का जब हम लोग बात करते हैं तो जैमिनी में जो सबसे पहले जो प्रारंभ होता है वो होता है आपके कारकाज को लेकर के, जिसमें आपके आत्मकार का हम लोगों को देखना होता है, मातृकार का देखना होता है, भातृकार का देखना होता है, मातृकार का देखना होता है, पुत्रकार का, ज्ञातिकार का और आपका दाराकार का। तो जो सबसे पहला स्टेप है हम लोगों को ये देखना होता है कि कुंडली के अंदर आपके जो सबसे ज्यादा अंश है, सबसे ज्यादा जो हायर डिग्री का प्लेनेट है वो आपका आत्मकारक प्लेनेट बनेगा। अगर मैं इस चार्ट की बात करूं जो हमारे सामने है, तो सबसे पहले आप देखिए कि यहां पर डिग्री वाइज सबसे ज्यादा हायर प्लेनेट कौन सा है जो आत्मकारक बनेगा। तो हम लोग यहां पर देखते हैं कि यहां पर जो शुक्र है उसका डिग्री है 25। सर, वेट, आई विल पुट जगन्नाथ वोरा सो इट विल बिकम इजियर फॉर देम। हाँ वो ज्यादा आसान रहेगा कि उसमें लिखा हुआ आ जाएगा सबके सामने। यस हियर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए यहां पर जो सबसे पहले जो है, मैम, बट इज डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट चार्ट।
या दिस विल टेक एनी टाइम, इट विल टेक एनी टाइम नो, मई 22 2:13 टाइम लिया है ना, अभी का टाइम ले लो ना, अच्छा इनकी ये भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा. हां ओके, इट्स अ प्रश्न चार्ट. ओके 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 1 मिनट, व्हाट्स द टाइम नाउ? 11:40. Just a minute, I just come back. ओके ये आज का अभी का चार्ट है. जैसा मैंने बताया, हम लोगों को सबसे पहले ये देखना है कि स्टार्ट जो जेमिनी का है वो स्टार्ट होता है आपका आत्मकारक प्लेनेट. आत्मकारक का प्लेनेट वो है जो जिसका डिग्री सर्वाधिक हो. तो हम लोग यहां पर देखेंगे शुक्र का जो डिग्री है वो 26 degrees 6 minutes है. यहां पर आत्मकारक जो प्लेनेट हुआ वो आपका शुक्र है. और शुक्र जो है जैमिनी के अंदर आत्मकारक को कहा जाता है कि वो राजा है. जितने भी राजयोग कारक, जितने भी राजयोग बनेंगे वो आत्मकारक को लेकर के ही बनेंगे. अगर आत्मकारक की स्थिति आपकी उत्तम है, श्रेष्ठ है, तो कहा जाता है कि आपके जीवन में जो स्थितियां हैं वो परफेक्ट रहेंगी. तो यहां पर आत्मकारक सबसे पहले हुआ आपका शुक्र, जो सर्वाधिक आपका डिग्री का है, जो कि ग्रहों का आपका कुंडली का राजा हो गया एक तरीके से. कहा जाता है आत्मकारक प्लेनेट के लिए कि जो भी प्लेनेट आपका आत्मकारक है वो आपके पूर्व जन्म से, जो आपका पूर्व जन्म हुआ है और उसमें आपको जो लेसन्स आपको नहीं मिले थे वो लेसन्स आपको इस जीवन में संपूर्ण करने हैं. तो जो ग्रह आपका आत्मकारक बनता है उस ग्रह से संबंधित लेसन्स आपको इस जीवन में मिलने वाले हैं. लाइक यहां पर जो शुक्र आत्मकारक ग्रह है तो इसका मतलब ये है शुक्र आपका लग्जरी से रिलेटेड हो गया, सुख सुविधाओं से रिलेटेड हो गया. तो व्यक्ति जो भी इस समय जन्म लेगा उसको जीवन के अंदर शुक्र से संबंधित चीजों से संबंधित लेसन उसको प्राप्त होंगे और उनकी चीजों को ओवरकम करना उसका मेन ध्येय होगा. सर रेट्रोग्रेशन कैसी है? अभी शुक्र रेट्रोग्रेड हो गया. हाँ तो आप कैसे पढ़ रहा हो उसमें चार्ट? उसमें आत्मकारक शुक्री बन गया ना, आत्मकारक वक्री है, नो इश्यूज ना. वक्री होना एक डिफरेंट चीज. हमें सिर्फ यहां पर यह देखना है कि मैक्सिमम डिग्री किस प्लेनेट का है. ओके, इफ इट इज वक्री नो मैटर, यहां मेरे लिए मैटर नहीं करता. सर राहु कंसीडर होता है इसमें या नहीं? देखिए हाँ, यहां पर मैं बता दूं आपको, कुछ लोग जो है चर कारकाज में राहु को कंसीडर करते हैं लेकिन एज पर क्लासिकल जो टेक्स्ट है वहां पर राहु को शामिल नहीं किया गया है. दूसरी चीज, जिस भी भाव के अंदर राहु बैठा हुआ हो तो कई लोग उस राहु को जो राहु या उसका राशि स्वामी को, दोनों में से एक को लेते हैं. तो हम लोगों को कंफ्यूजन नहीं करने हैं. सिंपल सी चीज है, हम लोगों को यहाँ पर राहु जो है वो कंसिडर नहीं करना है चर कारकाज के रूप या पद लगन के रूप में. जब मैं पद निकालूंगा तो भी मुझे राहु वहां पर नहीं चाहिए. ओके ओके. तो इसे आत्मा कारक अगर एफिलिक्टेड हो राहु केतु से तो उसका कुछ सिग्निफिकेंस रहता है? बिल्कुल, प्रॉब्लम्स आएगा ना. देखिए आत्मकारक अगर स्थिति हम लोग जो है लगन चार्ट में तो देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन आत्मकारक की स्थिति हम लोगों को नवांश में भी देखनी पड़ती है. आत्मकारक पे हम लोग देखेंगे कि दृष्टियां किस किस की हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा. आत्मकारक प्लेनेट एकदम मैं आपको पहले कारकाज बता देता हूं मैं आप लोगों को, फिर हम लोग दृष्टि के ऊपर देखेंगे कौन कौन से प्लेनेट किसके साथ में बैठे हैं और आत्मकारक किस कंडीशन के अंदर आपका एफ्लिक्शन में आता है. तो सबसे पहले आपका आत्मकारक हो गया यहाँ पर शुक्र. इट इज क्लियर ना? प्लीज लेट सर फिनिश द लेसन एंड देन यू विल पुट द क्वेश्चंस ना. सबसे पहली चीज है कि आत्मकारक का आपका हाईएस्ट डिग्री का प्लेनेट हो गया यहाँ पर आपका शुक्र है.
सेकंड हाईएस्ट डिग्री जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं अमात्य कार का। किसी भी कुंडली के अंदर अगर अमात्य कार का और आत्म कारक का अगर यदि संबंध बनता है तो वो एक बड़ा राजयोग कहलाता है। रीजन फॉर बीइंग कि आत्म कारक जो है वो आपका प्लेनेट जो है किंग है, और किंग विदाउट मंत्री कुछ भी नहीं होता, तो अमात्य कारका को मंत्री का पद दिया गया है। किसी भी कुंडली के अंदर अगर अमात्य कारका और आत्म कारका का जो संबंध बनता है, स्थापित होता है, दृष्टि संबंध भी हो, तो वो भी एक उत्तम राजयोग की स्थिति में आता है। फिलहाल सेकंड हाईएस्ट डिग्री, तो यहां पर हम लोग देखेंगे जो सेकंड हाईएस्ट डिग्री का प्लेनेट है जो 25 डिग्री पे है वह है आपका बुध मरकरी। तो अमात्य कारक प्लेनेट जो है वर्तमान के हिसाब से आपका बुध ग्रह हुआ। क्लियर। अब अमात्य कारक का हम लोग कहते हैं कि जो आपका दैनिक आय है, व्यय है, जो आपकी कमाई का है, प्रोफेशंस है, अर्निंग्स है, वो सारा का सारा जो लेख जो है वो आपका अमात्य कारक से संबंध रखता है। सेकंड हाईएस्ट डिग्री इज अमात्य कारक। उसके बाद में जो तीसरी चीज आ जाती है, तीसरा आता है आपका भातृकार का, थर्ड नंबर का जो हाईएस्ट है। तो आप यहां पर देखिए थर्ड नंबर का हाईएस्ट प्लेनेट कौन सा है जिसका डिग्री हाईएस्ट हो थर्ड नंबर पे, दैट इज मार्क, मंगल। लिखा है ना बीके, मंगल यहां पे है 12 डिग्री के ऊपर। मींस पहली चीज आत्मकारक जो 26 डिग्री का है जो शुक्र हुआ, उससे लेसर डिग्री अमात्य कारक जो कि यहां पर 25 डिग्री का है वो यहां पर आपका बुध हुआ। उसके बाद में तीसरा डिग्री जो आएगा हाईएस्ट डिग्री वो है आपका भातृकार का, जो कि आपका संबंध रखता है करे से, आपके भाई बहनों के सुख के लिए, थर्ड हाउस के जितने भी थिंग्स हैं वो आप भातृकार का से देख। यहां पर उसका कारक हुआ मंगल। क्लियर। अब जब हम लोग उसके आगे देखेंगे तो फोर्थ जो हाईएस्ट डिग्री है, फोर्थ हाईएस्ट डिग्री जब हम लोग देखेंगे तो आप लोग यहां देखिए कि यहां पर फोर्थ हाईएस्ट डिग्री है आपका शनि का। फोर्थ हाईएस्ट डिग्री का मतलब हो गया वो आपका मातृकार का है, और सिंपल मातृकार का से जो हम लोग देखेंगे, जो हम लोग विचार करेंगे उसके अंदर माता, भवन, भूमि, आपका मकान, सुख सुविधा, व्हीकल, सारी की सारी चीजें हम मातृकार का को ध्यान में रख करके और हम लोग फिर उसको प्रिडिक्ट करें। तो यहां पर जो मातृकारक प्लेनेट है वो है आपका शनि, फोर्थ हाईएस्ट। उसके बाद में जब आता है, उसके बाद में आता है आपका पुत्रकार का ग्रह, जो भी लेसर हाईएस्ट डिग्री के ऊपर आ गया, मातृकार का से कम डिग्री का प्लेनेट। तो यहां पर आप लोग देखिए मातृकार का से कम डिग्री के ऊपर जो प्लेनेट है वो है यहां पर आपका सूर्य, जो कि 60 डिग्री 30 मिनट पे है। ध्यान रखिएगा यहां पर 60 डिग्री 44 मिनट का आपका शनि है जो कि मातृकारक है, और 7 डिग्री और 30 मिनट के ऊपर आपका सूर्य है जो कि पुत्रकार का हो गया। जस्ट नेक्स्ट उससे जब डाउन पे आएंगे तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेनेट है पूरे चार्ट के अंदर। जो अब कारक आने वाला है ये सर्वाधिक प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाला है। ये अपने आप में आपके 6, 8 और 12 भाव तीनों के जो गुण है वो समाहित किए हुए होता है। दिस इज कॉल्ड ज्ञाति कारका। यहां पर आप देखेंगे कि जुपिटर इज अ जीके ज्ञाति कारका। इसका मतलब ये हुआ कि ज्ञाति कारका जिस भी भाव के ऊपर एस्पेक्ट करेगा, जहां पर भी एस्पेक्ट करेगा, वो जीवन के उस पार्ट के अंदर व्यक्ति विशेष को प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करेगा। लास्ट में हम लोग जब आते हैं जो सबसे कम डिग्री का प्लेनेट है वो है आपका दारा कारक। जो 2 डिग्री के ऊपर यहां पर चंद्रमा आप देख रहे हैं वो आपका प्लेनेट हो गया दारा कारक। दारा कारक से हम लोगों को जो देखना है वैवाहिक जो आपका जीवन साथी है उनकी स्थितियों को हम लोग दारा कारक के द्वारा देखेंगे। मींस इट विल रिप्रेजेंट योर 7th हाउस। यहां तक क्लियर आप सभी लोगों को? प्रॉब्लम तो नहीं है यहां तक? जी सर क्लियर है। क्लियर है ना? चलिए तो पहली चीज जब हम लोगों ने कार का डिसाइड कर लिए, तो कारक डिसाइड करने के बाद में हम लोगों का जो सेकंड चीज आती है वो आती है आपका पद लगन।
अब यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा, हमने कारक तो निकाल लिया, दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन एक होता है पद लगन जिसे हम लोग बोलते हैं आरूढ़ पद, अरुध। अब अरुध निकालने का मतलब ये है इट विल शो योर मिरर इमेज कि आपकी सामाजिक स्थिति दूसरों की नजर में कैसी है, वो स्थिति हम लोग देखते हैं आरुध लगना से। क्लियर? अब आरूढ़ लगन कैसे निकालते हैं? अब उसमें ये देखिएगा, समझने की बात ये है कि आरूढ़ लगन तो निकलता ही निकलता है, लेकिन हम हर भाव का पद भी निकालते हैं। जो भी आपकी कुंडली बनी है उसमें जो भी पद है वो भी हम लोग देखेंगे यहां पर। तो सबसे पहले आरूढ़ लगन जो है वो कैसे निकालना है, बहुत इजी सी शर्त है। आपका जैसे जो भी प्लेनेट का हम लोगों को पद देखना है, वो जितने भाव आगे गया हो उतने भाव आगे जाने के बाद में उसको वापस से काउंट करना है। सपोज कीजिए कि कोई प्लेनेट अपने से दूसरे भाव में बैठा है, तो इसका मतलब यह है सेकंड से सेकंड हम लोगों को काउंट करना है और वो आपका आरूढ़ लगन हो जाएगा। अब इस केस में देखिए, आप सबसे पहले देखते हैं कि यहां पर आरूढ़ लगन क्या होगा। यहां पर आप देखिए सबसे पहले चीज कि आप लगन को देखिए, लगन यहां पर लियो आ रहा है, लियो आ रहा है लगन। अब जब लियो लगन आ रहा है तो यहां पर एक शर्त है। सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि इसको काउंट कैसे करेंगे। तो आप देखिएगा यहां पर जो लियो है इसका जो राशि स्वामी है वो है सूर्य। अब सूर्य जो है वो अपने भाव से 10 भाव आगे जा चुका, मींस इट इज प्लेस्ड इन 10th हाउस। मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब हम लोगों जो है यहां से 10 भाव काउंट करने हैं, 10 भाव काउंट करने हैं, मींस जहां पर ये लग्न गया जो प्लेनेट गया वहीं से हम लोगों को काउंट करना है। तो यहां से जब हम 10 काउंट करते हैं तो आपका ये आपका 7th हाउस के अंदर आ जाता है। मतलब वापस से मैं बोल दूं, सबसे पहली चीज है कि लग्नेश की स्थिति कहां है वो देखनी है। हमने देखा कि लग्नेश की स्थिति जो है वो 10th हाउस के अंदर चली गई। तो हमारा जो रूल कहता है वो ये कहता है कि 10th हाउस से 10th हाउस हम लोगों को देखना है। तो यहां से 10th हाउस से 10th हाउस वो आपका 7th हाउस। अब देखिएगा यहां पर स्पेशल कंडीशन है जो आप लोगों को हमेशा याद रखनी है। जब भी आप जैमिनी देखें, अरुध निकालें या किसी भी भाव का पद आप निकालें, तो ये जो कंडीशंस हैं ये आप नोट डाउन कर ली। पहली चीज है कि पद कभी भी लगन में नहीं आता या आपके 7th हाउस में नहीं आता। लाइक इन दैट कंडीशन कि यहां से लग्नेश आपका 10th हाउस में चला गया और जब मैं 10th से 10th काउंट करता हूं तो यहां पर 7th हाउस आता है। और हमारा जो स्पेसिफिक रूल है वो ये कहता है कि पद जो है वो आपका 7th हाउस में नहीं आ सकता। रीजन बहुत सिंपल सा है कि जैसा मैंने बताया कि आपकी मिरर इमेज दर्शाता है, तो लगन से सप्तम स्थान जो आपके प्रतिद्वंदी हो गए, तो ये एक रिफ्लेक्शन वाली जो चीज है यहां संभव नहीं है। तो हम लोग उस कंडीशन में क्या करेंगे, जो भी भाव है वहां से हम लोग दशम भाव ले लेंगे। मींस लाइक यहां पर जब हम लोगों ने काउंट किया दशम से, दशम भाव ही आ गया 7th हाउस, तो 7th से 10th इसका मतलब हम लोगों को 4th हाउस काउंट करना है। मींस आपका जो अरुध लगन होगा इस कंडीशन में ये आपका 4th हाउस अरुध लगन बन जाएगा। आई रिपीट, हमें याद रखना है, सपोज कीजिए कि लग्नेश जो है अगर लगन में ही होता, मान लीजिए यहां पर लियो साइन है और लियो साइन में ही आपका सूर्य बैठा होता, तो हमारा जो रूल है वो ये कहता है कि पद लगन कभी भी आपका लगन में नहीं आता या आपका सप्तम भाव में नहीं आता। तो मतलब ये हुआ कि जब लगन के अंदर लग्नेश बैठा हुआ है तो इसका मतलब हम लोगों को 10th काउंट करना है। तो वहां से हम लोग काउंट करेंगे 10th, तो आपका 10th हाउस विल बी अर्ध लग्न इन दैट कंडीशन। दूसरी कंडीशन आती है कि आपका जो लग्ना लॉर्ड है वो आपका 4th हाउस के अंदर चला जाए। अब जब मैंने बताया कि वो वापस से उतने ही हाउसेस काउंट करने हैं,
तो यहां से लगन से फोर्थ हाउस काउंट का मतलब ये हो गया कि आपका फोर्थ हाउस से फोर जब मैं काउंट करता हूं तो वो आपका सेवंथ हाउस आ जाता है। अब हमारा रूल ये है कि पद कभी भी लगन में नहीं आएगा ना आपका सेवंथ हाउस में आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो सेवंथ हाउस है, सेवंथ हाउस से हम लोगों को टेंथ हाउस काउंट करना है। अगेन जब मैं सेवन से काउंट करता हूं तो फोर्थ हाउस का जो पद है वो फोर्थ हाउस में ही चला जाएगा। सर क्लियर ना, कोई कंफ्यूजन? रूल क्या है? दो राशि के पहले और दो राशि के पहले? ना, देखिए रूल ये है, बहुत सिंपल सी चीज है। जब भी हम लोगों को पद देखना है तो जिस भी भाव के लिए हम लोग देखेंगे उसका स्वामी देखेंगे वो कहाँ बैठा है और उस स्वामी की स्थिति से हम लोगों को वापस से वही काउंट करना है। बहुत सिंपल। समझ गए। ओके, लाइक सेवन हाउस क्यों नहीं है? सेवन हाउस क्यों नहीं आएगा? हाँ, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिक कंडीशन है, कभी भी पद लगन भाव में या उसके सेवंथ भाव में नहीं आता, उस कंडीशन में हम लोगों को टेंथ हाउस काउंट करना है। लाइक यही चार्ट अगर मैं लेता हूं, वैसे तो यहां पर आप देखिएगा कि जो लग्नेश है सूर्य वो टेंथ हाउस में है और टेंथ हाउस से जब मैं टेंथ काउंट करता हूं तो वो सेवंथ हाउस आता है। आई सेट वहां से हम लोगों को टेंथ वापस से काउंट करना है, मींस टेंथ हाउस से सेवंथ जो टेंथ हो गया वो आपका फोर्थ हाउस हो गया। तो यहां पर आरूढ़ लग्न आपका फोर्थ हाउस हो जाएगा। अब मान लीजिए कि टेंथ हाउस में नहीं होता, मान लीजिए सूर्य जो है वो आपका फोर्थ हाउस में आ जाता वृश्चिक राशि में, तो हम लोगों को आरूढ़ लग्न निकालने के लिए फोर्थ हाउस काउंट करने पड़ते हैं। लाइक सूर्य अपने से चौथे भाव में होता वृश्चिक राशि, वो एक दो तीन चार, लियो से वृश्चिक चार राशियां होती। जब मैं आरूढ़ निकालूंगा तो वापस से मेरे को चार काउंट करना है, एक दो तीन चार, और ये आ जाता आपका पद वापस से सेवंथ हाउस। तो हम लोगों को यहाँ से सेवंथ से टेंथ काउंट करना है। इसका मतलब सिंपल सा आप याद रख लीजिए, जब फोर्थ हाउस के अगर हम लोगों का कोई प्लैनेट आ जाए तो फोर्थ हाउस को ही उसका पद मानना है, लगन मानना है। बहुत सिंपल सी चीज। ओके, अब मान लीजिए सेवंथ हाउस में ही आ गया, तो सिंपल है, सेवंथ हाउस से सेवंथ हाउस आपका लगन हो गया, वापस से हमें टेंथ काउंट करना है। तो याद रखने वाली चीज ये है कि जब भी लगन, अगर लगन भाव में ही बैठा हुआ हो प्लैनेट अपने ही हाउस में बैठा है तो उसको हम लोगों को टेंथ हाउस में लेके चले जाना है उसका पद निकालने के। दूसरी कंडीशन, यदि फोर्थ हाउस के अंदर आता है तो वो हम लोगों को फोर्थ हाउस के अंदर ही काउंट करना है। सेवंथ हाउस में अगर आता है तो सेवंथ हाउस का भी हम लोगों को टेंथ हाउस में देना है, और अगर कोई ग्रह दशम भाव में आ जाता है तो हम लोगों को वापस से फोर्थ हाउस में जाना पड़ेगा। सिंपल सी चीज है। मीन्स अगर सूर्य आपका लियो साइन में होता तो यहां पर अरुद पद जो है आपका टेंथ हाउस ही काउंट होता। दूसरी कंडीशन है कि अगर सूर्य आपका वृश्चिक राशि में होता तो यहां पर वृश्चिक राशि ही आपका अरुद लगन बन जाता। अगर यहां पर सूर्य सेवंथ हाउस में आता तो आपका टेंथ हाउस जो है वो अरुद लगन बन जाता। और लाइक इन दैट कंडीशन जो अभी हम लोगों की स्थिति में आया है कि लग्नेश जो सूर्य है वो टेंथ हाउस में है, तो टेंथ हाउस का मतलब ये हो गया टेंथ से टेंथ, मतलब आपका सेवंथ हाउस, तो सेवंथ में पद नहीं आता तो टेन काउंट करने मतलब आपका फोर्थ हाउस हो जाएगा। मीन्स टेंथ का जो इस स्थिति में जो अरुद लगन बनेगा वो आपका बनेगा आपका वृश्चिक राशि। क्लियर? क्लियर हो गया ना आपको रूल? आरूढ़ में कोई प्लेनेट प्लेस्ड है तो उसका क्या सिग्निफिकेंस? देखिए अब मैं आपको बता देता हूँ, जब हम लोगों ने आरूढ़ लगन अपन ने निकाल लिया है तो उसमें सबसे पहली चीज ये है कि आरूढ़ लगन आपकी मिरर इमेज दर्शाता है कि आपकी सामाजिक मान प्रतिष्ठा दूसरों की नजर में क्या है। अगर यहाँ पर एग्जॉल्टेड प्लेनेट बैठा हुआ है आपके आरूढ़ लगन के अंदर, इसका मतलब आपकी जो सामाजिक स्थिति है वो उच्च है। एग्जॉल्टेड प्लेनेट हुआ, मूल त्रिकोण साइन में कोई प्लेनेट वहां पर बैठा हुआ, इसका मतलब सामाजिक मान प्रतिष्ठा पद प्रतिष्ठा आपकी ज्यादा उत्तम। यदि आरूढ़ लगन से सेकंड हाउस के अंदर एग्जॉल्टेड प्लेनेट बैठा हुआ है, इसका मतलब ये है कि लोगों की नजर में आपके पास धन की स्थिति बहुत ज्यादा उत्तम। मीन्स हम लोगों को जो है जो आरूढ़ लगन है उसको लगन बना करके हम लोगों को वापस से देखना है कि स्थिति क्या बनती।
जो हम लोगों के रूल है, और मैं दृष्टियां अभी बाद में बताऊंगा मैं आपको, पहले एक बार पद निकालना बता दूं। जैसे ही आप दृष्टियां देखोगे तो उसका इफेक्ट भी होगा। अगर मान लीजिए आरुद लगन के अंदर आपके ज्ञाति कारक का इफेक्ट आता तो इसका मतलब आपकी नेगेटिव इमेज है। अगर मान लीजिए वहां पर आपका राहु की स्थिति बनती है या कोई प्लेनेट राहु से आपका अफेक्टेड होता है तो इसका मतलब यह है कि वहां पर आपकी जो इमेज है वो नेगेटिव है, वहां कहीं ना कहीं आपकी इमेज को प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा। दैट इज सिंपल। अब जिस तरीके से हमने आरूढ़ लगन निकाला है उस तरीके से ही हम लोग जो है सभी हाउसेस के पद निकालते। आई रिपीट, हम लोगों ने आरूढ़ लगन निकाल लिया, लेकिन आप जब देखते हैं कि A2 कहां पर बैठा हुआ है, A2, A3 जैसे लिखा हुआ है ना, ये देख रहे हैं आप लोग, A6, A7, A9, A3, A1, A11, ये क्या चीज है? बेसिकली ये पद है। लाइक इन दैट चार्ट, अब आपको मैं दूसरी बात समझा देता हूं। लगन की तरह ही हम लोग जब हम लोगों ने अरुद्ध लगन निकाला, इसका मतलब ये आपके लगन को रिप्रेजेंट कर, जब मैं आपका पद निकालूंगा सेकेंड हाउस का, तो वो आपके धन से रिलेटेड, आपके परिवार से रिलेटेड चीजों को शो करेगा वो पद। लाइक इन दैट चार्ट दूसरा भाव का जो स्वामी है वो है बुध। अब जो बुध है वो कहां बैठा हुआ है, तो सबसे पहली चीज यहां पर आएगी कि हम लोगों को यहां से काउंट करना है कि बुध कौन से भाव में बैठा है। जब मैं यहां से काउंट करता हूं तो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, नवे भाव के अंदर बैठा हुआ है बुध। अब मुझे इतने ही भाव वापस से जाने हैं, इतने ही भाव वापस से काउंट करने हैं। तो नवम से नवम आपका हाउस हो गया छठा, तो यहां पर आपका जो पद है दूसरे भाव का वो आपका आ गया सिक्स हाउस के अंदर। इट इज क्लियर? या अब सेम वे के अंदर जब मैं थर्ड हाउस का पद देखूंगा, अब देखिएगा, रिमेंबर कीजिएगा बात को, बेसिक हम लोगों को पता है, जब मैं लगन का पद निकालता हूं, अरुद लग्न निकालता हूं, तब मैं लगन की बात करता हूं, मींस आपकी खुद की बात करता हूं। जब मैं सेकंड हाउस का पद निकालता हूं तो सेकंड हाउस का पद जो रिप्रेजेंट करेगा आपको फैमिली को, आपके वाणी को, आपके मनी मैटर्स को, उसको शो करेगा। जब मैं तीसरे की बात करूंगा तो वो शो करेगा आपके थर्ड हाउस से रिलेटेड मैटर्स को, आपका करेज को। ओके, अब यहां पर देखिएगा, यहां पर जो थर्ड हाउस का जो लॉर्ड है वो है शुक्र। अब शुक्र भी यहां पर बैठा हुआ है इनके साथ ही, अपने से आठ ग्रह, आठ भाव आगे बैठा हुआ है, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ। अब हम लोगों को इसका पद निकालना है थर्ड हाउस का, ए थ्री अरुत पदा, तो आप देखिएगा इसको काउंट करें वापस से एट हाउस, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, इसका मतलब आपका पंचम भाव, पंचम भाव का पद आ गया। इसका मतलब आप देख रहे हैं यहां पर ए थ्री लिखा हुआ है, मीन्स आपका जो थर्ड हाउस का पद है वो पंचम भाव में चला गया है। सेम वे के अंदर जब फोर्थ हाउस का पद देखूंगा मैं, उसको बोलेंगे हम लोग ए फोर। अब काउंट वही करना है। अब यहां पर जो स्थिति है हम लोगों की, विशेष स्थिति आ गई। विशेष स्थिति कैसे आ गई? जब मैं काउंट करता हूं आपका वृश्चिक राशि से एक दो तीन और चार, का रूल था कि पद कभी भी पहले भाव में नहीं आता और पद कभी भी आपके सप्तम भाव में नहीं आता। यहां पर सेम कंडीशन अप्लाई हो रही है। जब मैं फोर्थ हाउस का पद निकालता हूं तो एक दो तीन चार, और जब मंगल को काउंट करता हूं एक दो तीन चार, मतलब ये जो पद है ये आपका सेवंथ हाउस में आ रहा है। और सेवंथ हाउस में, आई सेड कि सेवंथ हाउस में जब भी पद आए तो उसको हम लोगों को टेन काउंट करना है। मींस आपका जो मंगल है ए फोर जो है वो आपका मंगल, मंगल की पोजीशन पे ही रहेगा। मींस ये सेवंथ हाउस आया और सेवन से हम लोगों ने टेन काउंट किए तो मंगल ए फोर यहीं पर आ गया अपना। क्लियर ना? कोई डाउट इसमें? हेलो, कोई डाउट नहीं है ना? हेलो सर, यहाँ से मार्च तो फोर्थ है, अभी फोर्थ तो फोर्थ से काउंट करना है ना मार्च को, अभी तो पदा विल बी इन द टेंथ हाउस ना? बिल्कुल हाँ, फोर्थ टू फोर्थ से काउंट करेंगे ना अपन, तो टेंथ हाउस हो जाएगा, तो टेंथ हाउस तो वही रहेगा। ना ना, आप फोर्थ टू फोर्थ से काउंट करो,
तो आपका इससे सेवंथ हाउस में आ गया ना ये? नो सर। आप देखो एक बार, हाँ बिल्कुल करेक्ट, राइट राइट राइट। मार्स को काउंट करो यहाँ से, ये टेंथ हाउस में आ गया। अब यहाँ से हमने काउंट किया तो ये टेंथ हाउस में आ गया इससे, करेक्ट। ओके, अब इस कंडीशन में क्या होगा? टेंथ हाउस इज द पदा, हाँ जी, अरुण पदा फॉर एट, लाइक इट इज एट। जी जी, yes, we have understood this, I think. Correct ना? Yes. Okay. तो सेम वे के अंदर आप किसी भी हाउसेस के हम लोग निकाल सकते हैं A to Z. उसका मीनिंग ये हुआ कि वो भाव कैसे बाहर परसीव हो रहा है या मिरर इमेज कैसे है वो भाव की, ऐसा हुआ ना? बिल्कुल 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 बिल्कुल, वो इमेज कैसा हुआ यही डिपेंड करेगा उस पर। एक मिनट दीजिएगा मुझे ना प्लीज। हाँ जी हेलो, अब यहां पर आप देखिए मैं जो बता रहा था ना आपको, ए फोर देखिए कहां पर आएगा, ए फोर भैया बताइए आप, ए फोर का निकालिए, मैंने बताया था आपको भी रूल। हाँ दी, कैन यू हियर मी? हाँ बिल्कुल दीन, हाँ दीदी बिल्कुल। अच्छा मुझे यहाँ ए फोर लिखा हुआ नजर ही नहीं आ रहा। हाँ यहाँ ए फोर नजर नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर स्पेशल कंडीशन है। मुझे मुझे और मुझे एक क्वेश्चन है और। हाँ प्लीज। जैसे फोर्थ हाउस का लॉर्ड भी मार्स है और नाइन्थ हाउस का लॉर्ड भी मार्स है। हाँ जी। तो मतलब हमने फोर्थ हाउस का आरूढ़ तो निकाल लिया कि चलो फोर्थ हाउस का पद पद हो गया, टेंथ हाउस में ए फोर हो गया। हाँ। ठीक है, तो जब हम नाइन्थ हाउस में जब आएंगे तो फिर से हम उसका भी पद निकालेंगे। yes. बिल्कुल दी बिल्कुल, वो आपका नाइन्थ हाउस का पद हो जाएगा। तो फिर वो फिफ्थ हाउस में ए नाइन आ रहा है ना? हाँ बिल्कुल करेक्ट बिल्कुल। अब यहाँ देखिए ना, जब हम लोग नाइन्थ हाउस जब हम लोग नाइन्थ हाउस का निकालेंगे तो नाइन्थ हाउस से जो है मंगल बैठा हुआ इलेवंथ हाउस में। अब हम लोगों को मंगल जहां बैठा हुआ उससे 11 हाउसेस आपने वो काउंट करना है, तो 11 हाउसेस आपका ए नाइन आपका फिफ्थ हाउस में आ जाएगा। अच्छा, और ये सारा जो हम पद निकाल रहे हैं उसका कारक के साथ कैसे कनेक्ट करना है वो मैं थोड़ा बाद में बताऊंगा आपको, पहले हम लोग एक बार पद निकाल लेते हैं। देखिए बट आप बहुत बढ़िया एक्सप्लेन कर रहे हैं, आई लाइक इट, थैंक यू। इसमें मैं आपको बताऊं मेन चीज क्या है कि ये आपकी मिरर इमेज शो कर रहा है जिस भी भाव में। सपोज कीजिए कि आपका पद जो है, मान लीजिए सेकंड हाउस का पद है, कोई एग्जॉल्टेड प्लेनेट वहां बैठा हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि दूसरों की नजर में आपकी जो धन संपदा है या आपकी वाणी है या आपका पारिवारिक जो इमेज है वो बहुत ज्यादा हायर हो जाएगा। और सिंपल से रूल ये है कि जहां पर आपको नेगेटिव मिल जाए, सपोज कीजिए डेबिलिटेड प्लेनेट बैठा हुआ है, तो वहां पर व्यक्ति को प्रॉब्लम क्रिएट होगा, मतलब जो मिरर इमेज है लोगों की नजर में वो आपकी परफेक्ट नहीं है। बहुत सिंपल सी चीज। अब सेम वे के अंदर पंचम का निकालें, तो आप देखिए गुरु जो है, गुरु यहां पर बैठा हुआ है अपने से सेकंड हाउस के अंदर पंचम पद, और सेकंड हाउस से मतलब सेकंड हाउस, ये आपका आ गया आपका सेवंथ हाउस के अंदर। तो सिंपल आई थिंक आप लोग निकाल लेंगे ना ये सारा का सारा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यहाँ पर A4 जो आएगा और A4 जो आएगा ना, A4 आपका यहीं पर आएगा, मार्स जहां पर बैठा हुआ है। स्पेशल कंडीशंस जो मैंने बताई है वो याद रखिए, पद कभी भी पहले भाव में और अपने से सेवंथ भाव में नहीं आता।
बिल्कुल अपने से सेवंथ में नहीं आएगा या अपने भाव में नहीं आएगा। अगर ऐसा होता है तो वहां पर हम लोगों को 10 भाव आगे जाना है। तो इस कंडीशन में A4 आपका यहीं पर आ गया सेवंथ हाउस में, नहीं रहा है इसमें जी। अब हम लोगों को अगर मान लीजिए निकालते हैं पद लगन, निकालना पद निकालना है अपने को सेवंथ हाउस का, तो हम लोगों को देखना है शनि की स्थिति। तो शनि अपने से 12वें भाव है, 12वें से 12वां पंचम भाव में A7 लिखा हुआ है, मीन फिफ्थ हाउस में A7 आ गया। करेक्ट, सेम वे में हम लोग जब 8 का, अच्छा अब छठे का पद हम लोग निकाले, छठे का मैं भूल गया था बताना, A6। हमारा रूल यहां पर भी स्पेशल कंडीशन में है कि जब भाव का स्वामी भाव में ही बैठा हो तो हम लोगों को 10 हाउसेस काउंट करना है। तो यहां पर छठा भाव का जो स्वामी है वो शनि अपने भाव में बैठा है, तो यहां से 10 हाउसेस हम लोगों को काउंट करना है, जो आपके आ गया है थर्ड हाउस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दैट इज थर्ड हाउस। आपका A6 हो गया आपका थर्ड हाउस। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो रोग ऋण रिपु है वो भी आपका A6 दर्शाएगा, वो भी एजेंट है A6 जहां पर आपका आया है। सेम वे में जब हम अष्टम का पद निकालेंगे तो अष्टम का पद जो है वो आपको प्रॉब्लम्स को दर्शाएगा। अब अष्टम का पद हम लोग निकालें तो यहां से गुरु अपने से लाभ भाव में बैठा हुआ है 11th हाउस। अब 11th हाउस से 11th काउंट करेंगे तो यहां पर A8 आप देख रहे हैं ये लिखा हुआ है, यानी 4th हाउस में A8 आ गया पद। A9 हम लोगों ने निकाल ही लिया, अब A10 हम लोग निकाले तो 10th हाउस का लॉर्ड 10th में ही है, 10th हाउस का लॉर्ड 10th में ही है। इसका मतलब यहां पर हम लोगों को 10 हाउसेस आगे जाना है, मींस वी इज प्लेस्ड इन ओन हाउस। तो यहां पर A10 भी आ जाएगा आपका 7th हाउस में। जब मैं 11वें भाव की बात करता हूं तो 11वें भाव के अंदर जो है उसका स्वामी जो है आपका बुध, वो अपने से 12वें चला गया, मींस 12th फ्रॉम 12th हम लोगों को यहां पर लेना है। ये आ गया आपका 5th हाउस, सॉरी 9th हाउस, A11 लिखा हुआ है ना। चलिए अब इसका जो बेसिक है किस तरीके से इसको यूज में लेना है, ये मेन पॉइंट है हम लोगों को देखना है आरूढ़ लगन में। हालांकि बहुत लंबा चैप्टर है, बहुत छोटा सा मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। हम लोगों को सिंपल ये देखना है कि यहां पर जिस भी पद के अंदर आपके एग्जॉल्टेड प्लैनेट्स हैं, बेनेफिक प्लैनेट्स हैं, वो इमेज आपकी जो जीवन का क्षेत्र है वहां पर आपकी जो इमेज है वो अच्छी है और आपको अच्छे फल मिलने वाले हैं जीवन के अंदर। इवन यहाँ पर राजयोग भी बनते हैं। कहा जाता है कि लगन कुंडली में बनने वाले राजयोग, यदि अरुण लगन के अंदर राजयोग बनते हैं वापस से, तो व्यक्ति के अंदर नेम एंड फेम का होता है। तो जब आप कोई भी सेलिब्रिटीज के आप चार्ट देखेंगे तो वहां पर आप पाएंगे कि उनका जो अरुद्ध लगन है वहां पर बहुत पॉजिटिव प्लैनेट का संबंध बनता है, एग्जॉल्टेड प्लैनेट का संबंध बनता है, या वहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी दूषित प्रभाव नहीं होता। अब इस कुंडली के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंस जो रखता है, जिसका आप लोगों ने भी नाम सुना होगा, वो है उपपद लग्न। रिमेंबर हम लोगों ने सारे पद निकाल लिए हैं, हमने आरुद लग्न आपका निकाल लिया है, हमने A7 निकाल लिया, A2 निकाल लिया, A3 निकाल लिया, A4, A5, A6, A7 सब निकाल लिया है। अब यहां पर बात आती है जब हम लोग 12वें भाव के ऊपर आते हैं, 12th हाउस के ऊपर आते हैं, तो जैमिनी ऋषि जो है वो 12वें भाव को आपके वैवाहिक जीवन से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट मानते हैं उसका पद। और एक ये अरुद लगन के बाद में एक ऐसा लगन है जिसको सर्वाधिक यूज में लिया जाता है कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा होगा, आपका जीवन साथी कैसा होगा, आपका वैवाहिक सुख कैसा होगा। तो इसके लिए जैमिनी ऋषि जो है 12वें भाव का पद जो है उसको हम लोगों को एनालाइज करना है। अब सिंपल सी चीज थ्योरी वही है, 12th हाउस का लॉर्ड हम लोगों को देखना है वो आपका कहां पर बैठा हुआ है। 12th हाउस का लॉर्ड यहां पर चंद्रमा है,
और चंद्रमा आपका 10th हाउस में बैठा हुआ है, मींस अपनी पोजीशन से 11th हाउस में बैठा हुआ है। अपनी पोजीशन से 11th हाउस में बैठा हुआ है, इसका मतलब हम लोगों को 11 हाउसेस और काउंट करने। तो यहां पर जब मैं काउंट करता हूं तो आपका उपपद लगना जो है आपका 8th हाउस के अंदर आ जाता है। मीन राशि, मीन राशि आ जाती है। अब यहां पर जो सबसे बड़ी चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सेम वे के अंदर अगर आपके, हालांकि ये बहुत लंबा चैप्टर है, वेट अ मिनट प्लीज, वेट अ मिनट, हाँ जी पैक। तो यहां पर हम लोगों ने उपपद लग्न निकाल लिया। अब देखिए इसको समझने की कोशिश ये कीजिएगा कि जो जो टर्म्स मैं बता रहा हूं इसका बहुत लंबा चैप्टर है। आज मैं सिर्फ आप लोगों को किस तरीके से आपको उपपद लग्न निकालना है, किस तरीके से आपको पद निकालने हैं, अरुद निकालना है, वो मैं बता रहा हूं। प्रिडिक्शन पार्ट इज डिफरेंट। उपपद लग्न देख लीजिए, उपपद लगना कैसे निकालना, और ये इसका एक अब जब हम लोग इसको एनालाइज करेंगे तो इस भाव को हम लोगों को लगन बना लेना, और लगन बना करके एक अलग वे है, वो कल किसी नेक्स्ट सेशन में हम लोग कर सकते हैं, वहां पर हम लोग देखेंगे कि उपपद लगन का यूज कैसे होगा। यहां तक आप लोगों को क्लियर ना सभी को, पद निकालना, उपपद लगना, आरूढ़ लगना। चलिए अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो भी आप लोग देख लीजिए कि यहां पर दृष्टियां किस तरीके से लेते हैं। रिमेंबर करिएगा, लिख लीजिएगा, हमारे पास तीन तरह की राशियां हैं। पहला तरह की राशि हमारे पास चर राशियां हैं, दूसरी हमारे पास स्थिर राशियां हैं, और तीसरा हमारे पास में है द्विस्वभाव राशियां। दृष्टि का मतलब ये हो गया, जैसे हम लोग पराशर के अंदर शनि की दृष्टि, तीसरी दृष्टि लेते हैं, सेवन दृष्टि लेते हैं, दशम दृष्टि लेते हैं, लेकिन यहां पर जैमिनी में राशियों की दृष्टि होती है। जब मैं राशियों की दृष्टि की बात करता हूं इसका मतलब ये हुआ कि उस राशि में जो प्लैनेट स्थित है वो प्लैनेट एस्पेक्ट करेगा। सिंपल। अब सबसे पहले जो मैंने बताया कि यहां पर स्थिर राशियां जो है, स्थिर राशि के ऊपर, स्थिर राशियां जो अपनी दृष्टि देती है, तो अपने पास वाली जो भी आपकी चर राशि हो, स्थिर राशि से 12वें भाव में चर राशि आएगी, उस राशि के ऊपर उसकी दृष्टि नहीं होगी। लाइक इन इस कंडीशन में अगर मैं लियो की साइन की बात करूं कि लियो साइन एस्पेक्ट कर रहा है क्या, तो लियो साइन स्थिर राशि है और उसके 12वां भाव हो गया आपका चर राशि, मतलब यहां पर स्थिर राशि की दृष्टि नहीं होगी, लेकिन बाकी की तीन जो राशियां हैं चर राशियां, उन तीनों के ऊपर वहां पर दृष्टियां होगी। मतलब आपका लिब्रा साइन, आपका मकर साइन और आपका मेष साइन, इन तीनों के ऊपर दृष्टियां होंगी। आई रिपीट, ऊपर। हाँ बताएं। अब जैसे यहां देखिएगा, अब सिंपल सी चीज है, वहां प्लेनेट बैठा हुआ नहीं है। अब देखिए स्थिर राशि है, स्थिर राशि आपका वृष राशि स्थिर राशि है, इसमें चार प्लेनेट बैठे हुए हैं। अब इसकी दृष्टि कहां कहां पर है हम लोगों को ये देखना है। रूल सिंपल सा है कि जो है, हाँ जी बिल्कुल, इसके पास वाली जो आपकी चर राशि है मेष, उसको आप छोड़ दीजिए, बाकी की जितनी भी आपकी चर राशियां, मींस आपका कर्क, आपका लिब्रा और आपका मकर, इन तीनों साइन के ऊपर इसका इफेक्ट होगा। मतलब ये जितने भी प्लैनेट्स हैं ये इन सभी भावों के ऊपर प्रभाव रखेंगे, इनकी दृष्टियां इन भावों के ऊपर है। मतलब स्थिर राशि की दृष्टियां जो है वो अपने पास वाली चर राशि को छोड़ करके उसके आगे वाली तीनों राशियों के ऊपर होंगे, पहली चीज। दूसरी चीज है कि आपका जो चर राशियां हैं वो अब दृष्टियां कहां देंगी। तो चर राशियों के अंदर भी सिंपल सा रूल है
चर राशि जो भी है वो अपने से आगे वाली जो स्थिर राशि है उसको छोड़ करके बाकी सारी की सारी राशियों के ऊपर जो स्थिर राशियां तीन राशियां उनके ऊपर प्रभाव रखेगी। लाइक यहां पर मकर राशि में जो बैठे हुए प्लैनेट्स हैं वो यहां पर कुंभ में एस्पेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन दे विल एस्पेक्ट आपका वृष राशि, आपका लियो साइन और आपका वृश्चिक राशि। इसका मतलब ये हुआ कि आपका अगर चर राशि में कोई प्लैनेट है तो वो अपने से पांचवा, अपने से आठवा और अपने से ग्यारहवें भाव पे दृष्टि डालेगा। इसको और इजी कर सकते हैं। मीन्स सिंपल है कि जो साइन उसके पास वाला है, चाहे वो स्थिर राशि है चाहे वो चर राशि है, उसके एस्पेक्ट नहीं आएगा, बाकी राशियों के ऊपर एस्पेक्ट आएगा। अब रूल आता है कि आपके द्विस्वभाव राशियों के अंदर क्या होगा। तो द्विस्वभाव राशियां जो भी हैं वो अपने आप को सबको एस्पेक्ट करेंगी, उसमें कोई भी राशि ऐसी नहीं है जिसके ऊपर एस्पेक्ट नहीं आए। मींस अगर कोई ग्रह आपका मिथुन राशि में बैठा हुआ है, लाइक यहां पर आपका केतु बैठा हुआ है इन धनु राशि, तो धनु राशि का जो प्रभाव है वो सभी द्विस्वभाव राशियों के ऊपर है। मींस राहु केतु का प्रभाव सब पे होगा, 9, 12, 3 और 6। मतलब ये हुआ कि द्विस्वभाव में यदि आपके कोई ग्रह बैठा हुआ है वो सभी द्विस्वभाव राशियों को दृष्टि देगा, प्लस जो चर राशियां हैं वो अपने चर राशियां अपने आगे वाली स्थिर राशि को नहीं देख करके बाकी की स्थिर राशियों को देखेगी, और जो स्थिर राशियां हैं वो अपने पीछे चर राशि को छोड़ करके बाकी की ये चर राशियों को देखेंगी। क्लियर ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ, समझ पाए ना आप लोग। दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट रखता है ये, जब आप चर दशाएं वगैरह जब देखते हैं तो ये दृष्टियां बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। आई थिंक नो इश्यू, तो आगे बढ़ते हैं। वी हैव कवर्ड आत्मकार का, आरूढ़ हो गया, उपपद लग्न हो गया। अब आप एक टर्मिनोलॉजी जो है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है वो है आपका कारकांशा लग्न। यहां पर देखिएगा, समझिएगा, हम लोगों ने आरूढ़ लग्न देख लिया, हम लोगों ने उपपद लग्न निकालना सीख लिया, अब हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट जो है सबसे ज्यादा मुख्य है वो है कारकांशा लग्न। कारकांश लग्न का बहुत सिंपल सा रूल है, हम लोगों को आत्मकारक को देखना है, आत्मकारक आपका कौन है। लाइक इन दिस चार्ट शुक्र इज द आत्मकारक का प्लैनेट। अब यहां पर हम लोगों को करना क्या है कि इस आत्मकारक प्लैनेट को हम लोगों को नवांश के अंदर लेके जाना है। नवांश में जब देखिए जो शुक्र है वो कौन सी राशि के अंदर बैठा हुआ है, सिंह राशि। बिल्कुल सिंह राशि। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम लोगों को करना क्या होता है कि जब हम लोग नवमांश में हम लोग इसको लेके चले गए आत्मकारक को, तो वापस से हम लोगों को ये लगन में लेके आना पड़ता है और वो राशि मार्क करनी होती है कि वो राशि कौन से भाव में है, और उस भाव को लगन मान करके हम लोग उस राशि से हम लोगों को लगन बनाने लाना होता है। लाइक इन दिस चार्ट शुक्र इज इन द नवमांश ऑफ लियो, और यहाँ पर लियो ही लगन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कंडीशन के अंदर जो कारकांश लगना है वो आपका लियो ही रहेगा, सिंह लगन ही रहेगा कारकांश लगना। अगर मान लीजिए, सपोज कीजिए आत्मकारक यहां पर सिंह में नहीं होकर के सपोज कीजिए कि वो आप, तो हम लोग लगन कुंडली में वृष राशि जो है उसको लगन मान करके और बाकी के जो सारे प्लैनेट्स हैं उन लोगों को वैसे ही स्थित रख लेते सेम वे में। मींस अगर यहां पर वृष में होता तो ये लगन आपका वृष लगन को हम लोग इस भाव से हम लोग सारी की सारी चीजें कैलकुलेट करते और ये कारकांश लग्न हो जाता। एग्जांपल और ले लेते हैं, मान ली कारकांश का इंपॉर्टेंस क्या होगा। देखिए कारकांश लग्न सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लग्न, आरुद से ज्यादा इंपॉर्टेंस मैं कारकांश लग्न को देता हूं। कारकांश लग्न इज
जो है वो आपको दर्शाता है व्हाट यू आर इन रियल, आप हकीकत में क्या हैं। इट विल शो योर कर्म क्षेत्र ऑल्सो, आपका कर्म क्षेत्र कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा का लेवल क्या रहेगा, फैमिलीज वगैरह के बाकी सारे की सारी चीजें जो आप जीवन की है वो भी कारकांश लग्ना से आप पढ़ सकते हैं। इसके ऊपर बहुत लंबी बुक्स लिखी हुई है कारकांश लग्ना की, लाइक बहुत सिंपल सी चीज है, वापस से मैं बता देता हूं, आई एम रिपीट, आत्मकारक प्लेनेट आप देखिए लग्न कुंडली में। अब आत्मकारक प्लेनेट को जब हम लोगों ने देख लिया तो आत्मकारक प्लेनेट को हम लोगों को लेके जाना है नवमांश के अंदर, और नवमांश में उसकी पोजीशन देखनी है, और वो जो राशि है आएगी वो राशि हम लोग लगन कुंडली में लाएंगे और उसको लगन मान करके सारे प्लेनेट वैसे ही बैठा देंगे जैसा इस कुंडली में लगन कुंडली में हो। लाइक यहां पर अभी जो शुक्र है वो लियो साइन में, तो लियो ही आपका कारकांश लगन बनेगा। अगर मान लीजिए ये वृष राशि में होता तो वृष लगन बना लेते हम लोग, अगर मान लीजिए कुंभ राशि में होता जो आपका आत्मकारक है तो हम लोग कुंभ लगन को कारकांश लगन मानते। ओके, अब एक लगन और बनता है जिसको बोला जाता है स्वांश लग्न। स्वांश मीन्स कारकांश इन नवांश, मतलब उसका ये हुआ कि आपका जो जो आत्मकारक प्लेनेट है लाइक इन योर चार्ट, ये आपका शुक्र इज आत्मकारक प्लेनेट। अब शुक्र की स्थिति जो है नवमांश में कहां पर है, तो नवमांश में ये बैठा हुआ है सिंह राशि, तो सिंह को हम लोग लगन मान करके पूरा नवमांश का चार्ट बना लेंगे एज इट इज। तो ये हो गया स्वांश, स्वांश बोलते हैं इसको हम लोग, स्वांश कुंडली। अब यहां पर भी कई लोग जो है सेम चीज जो है स्वांश से भी देखते हैं कर्म क्षेत्र और कारकांश लग्ना से भी देखते हैं। ज्यादातर जो विद्वान है कारकांश लग्ना का यूज लेते हैं और वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण भी, मुझे भी वो ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है कि जो भी कर्म क्षेत्र होगा आपका वो कारकांश लग्न से संबंध बनाएगा। क्लियर आप लोगों को यहां तक, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हेलो कारकांश अगर नवांश में लग्न भी है, हाँ नवांश मतलब फिर स्वांश के लिए नवांश सेम ही रहेगा अगर लिब्रा साइन है फॉर एग्जांपल, और लिब्रा ही लगन है नवांश में, हाँ वही रहेगा बिल्कुल करेक्ट। तो मतलब स्वांश लग्न जब देखते हैं देन वी कंसीडर ओनली D9 चार्ट। जी दीदी बिल्कुल बिल्कुल ओके बिल्कुल। लेकिन स्वांश से अब देखिए यहाँ पर बड़ा कंफ्यूजन है क्योंकि जैमिनी ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर कंट्रोवर्सीज बहुत ज्यादा है। कुछ लोग जो स्वांश कुंडली है उसको मान करके कांश की तरह रीड करते हैं और कुछ लोग लगन कुंडली में लाकर के उसको रीड करते हैं। हमारे जो आचार्य हैं मैक्सिमम उन्होंने जो जो टीका टिप्पणियां की हैं वो कारकांश लगना के लिए की है, तो कारकांश लगना इज मोर इम्पोर्टेंट मेरी नजर। बाकी जो रूल्स हैं कोई बहुत सारी बुक्स लिखी हुई है कारकांश में वो आप स्वांश पे भी लगा करके देख सकते हैं। कारकांश लगन कुंड में कारकांश कुंडली के अंदर मेन चीज ये है कि कारकांश में आपको लगन देखना है, लगन भाव के अंदर जो भी प्लैनेट्स हैं मान लीजिए सूर्य है तो अगर वो अच्छी स्थिति के अंदर है तो वो सरकारी सहायता प्रदान करेगा, शुक्र है तो वो सरकारी सहायता प्रदान करेगा। लाइक वाइज सेम वे के अंदर आपका 10th हाउस जो आपका कारकांश लग्न का है वो आपका प्रोफेशन से कनेक्ट करता है। मंगल अगर वहां है तो वो आपको बोलते हैं कि रसायन शास्त्र से संबंधित चीजें आपको दर्शाता है। 5th हाउस का संबंध बुध और शुक्र है या गुरु है तो वहां पर हम लोग कहते हैं कि वो व्यक्ति आध्यात्मिक क्षेत्र में जा सकता है या एस्ट्रोलॉजी कर सकता है। तो मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर्स की अगर आप चार्ट देखेंगे तो वहां पर पंचम भाव जो है कारकांश लग्न का वहां पर बुध और गुरु का संबंध आपको मिलेगा। इधर दृष्टि वगैरह से अगर वो प्लेनेट वहां नहीं है तो वहां पर दृष्टियां होंगी। और तंत्र के लिए हम लोग जो कहा जाता है तो वहां पर बोलते हैं कि अगर पंचम भाव में कारकांश लगन के पंचम में और नवम में मेलेफिक्स हो दोनों के अंदर तो व्यक्ति तंत्र मार्ग के अंदर जाता है। तो उसके ऊपर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत बड़ी कारकांश लगन पे कही जा सकती है। मेन चीज है कि कारकांश लगन निकलेगा कैसे। तो आज का जो हमारा जो मेन मोटिव था वो ये था कि जैमिनी में आप पद लगन अरुद पद उप पद या आपका कारकांश लग्न आप कैसे निकालेंगे और आत्मकारक या आपका अमात्य कारक वो प्लैनेट्स आप कैसे देखेंगे।
आप लोगों के कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं आप लोग प्लीज। कारकांश लगन जब हमने आइडेंटिफाई किया तो उसमें जो बाकी ग्रहों की राशि थोड़ी बदलेगी, वो राशि तो वही रहेगी जो लगन चार्ट की राशि है, इज इट राइट? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो कारकांश लगन आपने निकाला है ना, तो वही राशि तो रहेगी ना, सब वही राशि रहेगी। और फिर देखिए बाकी सब प्लैनेट्स जो है हम लोगों को वैसे ही निकाल लेने हैं जो आपकी लगन कुंडली में है, उसके बाद में हम लोगों को देखना है एस्पेक्ट। सबसे पहला जो हमारा मूलभूत जो सर्वाधिक जो इम्पोर्टेंट जो रखता है कहीं पर भी, वह है लग्ना लॉर्ड की स्थिति कैसी है और लगन पे कौन सा प्रभाव है। तो कारकांश लगन पे जो भी प्रभाव होंगे, अगर मान लीजिए कि पॉजिटिव होकर के सूर्य का प्रभाव है तो व्यक्ति का जो सूर्य के जो तेजस्विनी होगा व्यक्ति का, सरकार से सहायताएं मिलेंगी। अगर मंगल है तो वो एग्रेसिव हो सकता है, व्यक्ति एग्रेसिव होगा, हो सकता है क्या? या रसायन शास्त्र का ज्ञाता होगा, केतु अगर आता है तो उसका अलग बोला जाता है कि उसके लिए बोला जाता है घड़ी का आगे। सर थोड़ी वॉइस ठीक कर लीजिए। हाँ बोलिए सर, वॉइस थोड़ी सी ठीक कर लीजिए, कम आ रही है। हाँ जी अच्छा अच्छा अच्छा। कारकांश लग्न पे अगर प्रभाव देखने हैं तो वो जेमिनी दृष्टि से प्रभाव देखने हैं? बिल्कुल दीदी बिल्कुल बिल्कुल, जेमिनी की जब हम लोग बात करेंगे तो दृष्टियां जेमिनी वाली ही लेनी है। हालांकि यहाँ पर दीदी जो बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत लोगों ने क्या किया है कि जो पराशर की दृष्टियां है वो भी यूज में लेकर के देखी। जैसे अभी कुंडली डाली थी उसमें तो टेंथ हाउस में बहुत सारे प्लैनेट्स थे, ये अगर कारकांश लग्न बन गया तो टेंथ में तो चार प्लैनेट्स आ गए। चार प्लैनेट आ गए, इसका मतलब है कि वो चारों से संबंधित उसके काम रहेंगे जीवन के क्षेत्र में। मतलब वो पराशर दृष्टि हो गई फिर? ना 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 ना, समझिए आप, पराशर दृष्टि नहीं हुई। जब हम लोग कारकांश लगन जो बना वो लियो साइन ही कारकांश लगन बना। अब लियो साइन के ऊपर सबसे पहली चीज हम लोगों को लियो साइन पे दृष्टि देखनी है। तो लियो साइन में खाली जो दृष्टि थी गुरु और शनि की थी। अब आप देखिए यहाँ पर जो सिक्स हाउस के अंदर प्लेनेट है मकर राशि के अंदर, खाली वो एस्पेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल, गुरु और शनि एस्पेक्ट कर रहे हैं। अब गुरु और शनि का जो प्रभाव है वो व्यक्ति के कारकांश लगन के ऊपर है। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए गुरु जो है ज्ञातिकार का भी हो गया, इसका मतलब वो प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करेगा व्यक्ति को, हो सकता है कि हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट करे, क्योंकि ज्ञातिकार का जो मैंने बताया 6, 8, 12 का भी रिप्रेजेंटेटिव है। ओके, अदरवाइज जुपिटर से रिलेटेड व्यक्ति के अंदर संभावनाएं बनती है और शनि से संबंधित संभावनाएं बनती है, जिसमें समी फिलोसॉफी का कारक हम लोग बोल सकते हैं। गुरु जो है अध्यात्म से रिलेटेड हो गया, या आपका टीचिंग से रिलेटेड हो गया, प्रकृति प्रदत्त गुण हो गया। अब सेम वे में जब हम लोग इसके अंदर आगे बात करेंगे कारकांश लगन में, तो टेंथ हाउस इंपॉर्टेंस रखता है। तो टेंथ हाउस में यहाँ पर चार प्लेनेट है, तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग प्लेनेट होगा, सबसे ज्यादा स्ट्रांग प्लेनेट के अनुसार व्यक्ति का कर्म क्षेत्र आजीविका मिलती है। ये बहुत सिंपल सा रूल, हालांकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, ऐसे समझ में नहीं आएगा जब तक एग्जाम्पल चार्ट ना हो। हेलो, हाँ जी बताइए प्लीज सर। एक चीज बस क्लियर कर दीजिए, जो कारकांश लग्न हम बनाएंगे फिर उसके बाद जो हम प्लैनेट्स प्लेस करेंगे वो हाउस वाइज करने हैं या राशि वाइज करने हैं? जिस हाउस में जो प्लैनेट्स, लाइक यहाँ पर देखो ना आप सर, जैसे यहाँ कारकांश लग्न बाय चांस लियो ही आया था, हाँ तो हमने हर राशि में उसके अकॉर्डिंगली प्लैनेट्स प्लेस कर दिए, या टॉरस अगर लग्न आ जाए तो प्लैनेट्स विल रिमेन इन द सेम राशि, यू जस्ट हैव टू रोटेट द राशि, भाव रहेगा या राशि? नो नो, यू डोंट हैव टू पुट 10th हाउस प्लैनेट्स इन 10th हाउस ओनली, नो, दे विल रिमेन इन टॉरस। क्लियर क्लियर क्लियर, ओके। अच्छा मेरा एक और सवाल है, जैसे हमने उपपाद लग्न निकाला, 12th हाउस से देख के निकाला कि 12th हाउस का लॉर्ड कहाँ गया, अगर 12th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में ही हो तो वो 1-7 का आ गया, तो वो 10th हाउस में जाएगा ना फिर वहां से। अच्छा, तो 12th से 10th में जाएगा, 12th से 10th में जाएगा फिर। ठीक, मतलब ये सूत्र सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहीं पर आती है लोगों को। अभी भी अगर मैंने समझाया तो बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम आएगी। आई सेड पद जो है पहले भाव में नहीं आता और सातवें भाव में नहीं आता, अगर वहां कोई आ रहा है तो उससे 10th हाउस हम लोगों को काउंट कर लेते हैं। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहीं पर, हाँ बताएं प्लीज सर, अगर जैसे 7th में आ रहा है अपने से
तो वहां से भी टेंथ ही काउंट करना है? बिल्कुल टेंथ काउंट करना है, मतलब फोर्थ हाउस में चला जाएगा। लाइक ये जो चार्ट देखो आप, ये जो चार्ट देखिएगा, इसमें जब अपन ने A4 निकाला, फोर्थ हाउस का लॉर्ड फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है, मंगल, मंगल अपने से फोर्थ में चला गया। अब जब लोगों ने काउंट किया मंगल को, तो 1, 2, 3, 4 मतलब वो सेवंथ हाउस में चला गया। मींस किस राशि से? वृश्चिक राशि से सेवंथ में, सेवंथ नहीं आ सकता था। तो हम लोगों को 10 काउंट करना है, वो फोर्थ हाउस के अंदर ही आ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट नियम ये है, और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमेशा कंफ्यूज होते हैं लोग। और कोई क्वेश्चंस किसी के? अगर कोई क्वेश्चंस हो तो आई थिंक सर okay. एक सर, आप जो शुरू में मैंने प्रश्न किया था, जैसे आत्मा कारक अगर राहु केतु से प्रभावित हो, मतलब राहु केतु के कंजंक्शन में हो, तो आपने उसका बताना था थोड़ा सा, अगर आप बता पाए तो अभी समय रहते। देखिए राहु और केतु प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, सिंपल सी चीज। मान लीजिए केतु अगर सेवंथ शुक्र के साथ में बैठा हुआ है केतु, तो वो उस चीज को डिनाई करेगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। राहु केतु का एस्पेक्ट पॉजिटिव वे में नहीं आएगा। बाकी बहुत सारी चीजें हैं, जब तक एग्जाम्पल चार्ट में नहीं आए तो आप लोगों को समझ में नहीं आए। आज का चैप्टर सिंपल है कि कैसे निकालना है हम लोगों को। ओके हेलो नितिन जी, हेलो, थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो, हाँ जी। आज सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये पदास का प्रिडिक्शन में क्या रोल है, एक दो हाउसेस को लेके क्या आप थोड़ा बता पाएंगे? देखिए प्रिडिक्शन का पार्ट बहुत लंबा है इसमें, आई एम टेलिंग यू। अगर मैं यहाँ पर प्रिडिक्शन दूं तो मेरे लिए एक एक चैप्टर के लिए आपके 4-4 घंटे चाहिए। अरुद लगन के लिए चाहिए मुझे, उपद लगन के लिए चाहिए। सिंपल सी चीज ये है, यहाँ पर आप याद रखिए, बहुत बहुत साधारण सी चीज बता रहा हूँ। जिस भी भाव का हम लोगों ने पद निकाला है, उस पद को आप लोग देखिए, उस पद पे आपकी कौन कौन सी दृष्टियां आ रही हैं वो आप लोग देखिए। अगर वहां पर पॉजिटिव है तो वहां पर आपकी जो इमेज है, वहां पर जो स्थिति है वो आपकी अच्छी है। सपोज कीजिए वहां पर आपका अमात्य कारक का या आत्म कारक का संबंध बन रहा है उस भाव के अंदर, और अच्छी राशि में बन रहा है, तो इसका मतलब वो भाव आपका सुदृढ़ है और वहां पर जीवन में अच्छी चीजें आपको प्राप्त होने वाली है। सेम में जहां पर आपका ज्ञाति कारक का प्रभाव आ जाएगा, वहां से संबंधित आपको प्रॉब्लम आएगा। थैंक यू सर, थैंक यू। है ना, और बाकी इसका और भी बहुत सारे यूज है पद लगन के, तो बहुत सारे यूज है, बट उसके लिए बहुत लंबा टाइम चाहिए होगा जब तक एग्जांपल चार्ट नहीं आए। बुक्स में बहुत कुछ दिया गया है कारकांश लगना के लिए, ईच एंड एवरीथिंग के लिए, तो वो बुक्स भी आप लोगों को पढ़नी पड़ेगी सूत्रों के लिए। चलिए, और कोई अगर बेसिक में अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे ना। सर अच्छी अच्छी बुक कौन सी रिकमेंड करेंगे? देखिए मैं तो कोई सी भी सारी बुक्स अच्छी है सर, मेरे नजर में तो जहां से ज्ञान मिल जाए ना, आपको पसंद आनी चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए। कोई सी बुक ले सकते हैं आप, है ना। अब देखिए इम्पोर्टेंस क्या है, एक दूसरी चीज और, कारकों की जैसे मैंने आपको बताया था कारक के अंदर, तो चर दशाओं में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है उनका, कारकों का। जब भी आपकी कोई दशा चल रही है उसके सेवंथ हाउस में दारा कारक का अगर प्रभाव है तो व्यक्ति की शादी हो जाएगी। जब चर दशा हम लोग लेते हैं तो चर दशा को हम लोग, उस दशा को स्वामी को हम लोग लगन मान करके और फिर प्रिडिक्ट करते हैं। अगर मान लीजिए आप अपने जीवन के लिए कोई मकान के लिए देख रहे हैं, तो आप उसके अंदर मात्र कारक को देखें, तो फोर्थ हाउस के मात्र कारक को देखें। अब सेम चीज है कि वहां पर अगर मान लीजिए मात्र कारक के ऊपर साथ में ज्ञाति कारक का प्रॉब्लम आ रहा है, इफेक्ट आ रहा है, तो इसका मतलब वहां पर प्रॉब्लम आएगा। बहुत ईजी वे है, करके देखिए आप लोग। सर अगर कारकांश लगन की दशा हो, आने वाली हो, और उसके अंदर आत्म कारक और अमात्य कारक दोनों बैठे हो, वो अच्छा राज्य होगा ना, अमात्य कारक और उसमें उसमें जो अमात्य कारक है वो एग्जॉल्टेड हो। हाँ जी, अमात्य कारक उसमें एग्जॉल्टेड और कारकांश लगन बनता हो वही। हाँ, तो वो अच्छी स्थिति हो गई ना, उत्तम स्थिति। दिस इज गुड, थैंक यू सर। ओके चलिए, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। ओके सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छे से समझा दिया, थैंक यू, वेरी नाइस सेशन, थैंक यू शिखा मैम, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच मैडम। आई एम वेरी सॉरी, आई हैव अ नेक्स्ट सेशन, आई एम ऑलरेडी लेट, वी विल टेक इट सम अदर टाइम।
जी जी आई रिक्वेस्ट सर टू कम अगेन ओके थैंक यू मैम फॉर योर थैंक यू मैम थैंक यू थैंक यू बाय